बिलकी भर भर के रोने लगी। इधर भैया जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी के चीर से हाथ लगाया और जैसे ही झटका मारा, मैया के मुंह से साड़ी का पल्ला छूट गया और जैसे ही छूटा तैसे ही अंदर से हृदय से आवाज आई, अरे बाबरी पुकारना है तो अपने कन्हैया भैया को पुकार, वही तेरी नैया को पार लगाएगा। अरे जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते, अरे बाबरी बहन वो तेरी रक्षा क्या करेंगे। और जैसे ही हृदय से आवाज आई भैया, ऐसे ही द्रौपदी ने पल्ला छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर कर लिए और एक बात कही कि भैया अगर मैं निर्वस्त्र हो भी जाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन भैया याद रखना क्योंकि मैं दुनिया में आई थी तो नगिन ही आई थी और नगिन हो भी जाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन भैया शान तेरी घटेगी, संसार के लोग तेरे नाम पर विश्वास नहीं करेंगे। भैया एक बहन के लिए भैया ही वो शख्स होता है कि बहन कहीं बेहद में कहीं संकट पे खड़ी हो, सभी छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन बहन एक बार आधी रात्रि में भी भाई को पुकारे तो भैया अपने जान की बाजी लगा करके बहन को बचाने के लिए आता है। और जैसे ही अंदर से आवाज आई, द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए, अब तो भैया कन्हैया भैया कन्हैया भैया कहकर के चीखना शुरू कर दिया और बोली, लाजी बचा लो आके कृष्ण मुरारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है, लाजी बचा लो आके कृष्ण मुरारी, बहना तुम्हारी खड़ी खड़ी देख रही थी,
लेकिन मैंने ने सबको छोकर अपनी कोरी छूटर को फाड़ा था भैया। दोनों हाथ ऊपर कर करके जैसे ही द्रौपदी ने कन्हैया भैया की रटन लगाई, भगवान कृष्ण के कानों में ये आवाज पहुंची। भगवान कृष्ण ने तनिक भी देरी नहीं की, भोजन का थाल नहीं छोड़ा, नंगे पैर ही भागे, पीताम्बर गिर गया। रुक्मिणी ने आवाज लगाई, अरे प्राण वल्लभ जी कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने हाथ का झाड़ा दे दिया, अरे रुक जा फिर बताऊंगा। भगवान चले कैसे, सभी ताली बजा के बोले, कन्हैया नंगे पैर न भागे, कन्हैया नंगे पैर न आए, कन्हैया नंगे पैर न धाए, कन्हैया नंगे पैर न धाए, कैसे मन से तेज पवन से झाला, पवन से झाला गरुड़ वेग बिसराए, भगवान मन से भी तेज भागे और पवन हवा से भी तेज भागे। मन से तेज पवन से काला, पवन से काला गरुड़ मेघ बिसराए, कन्हैया नंगे पैर न धाए, कन्हैया नंगे पैर न धाए, कृष्ण ने
कछू समझ नहीं आए बढ़ाना शुरू किया। दुशासन ने की चीर खींचते खींचते पैर ढेर लगा दिया। अंत में दुशासन गस खा के जमीन पर गिर गया। जय श्री राधे। जमीन पर गिर गया। दुर्योधन कहने लगा, भैया दुशासन क्या हुआ? अरे इसकी साड़ी उतारो, इसे निर्वस्त्र करो। लेकिन भैया दुशासन की कहां औकात थी, दोबारा से उठ करके द्रौपदी के चीर से हाथ लगा लेता। नहीं उठ पाया। दुर्योधन समझ गया इसका कोई रक्षक आ गया है। भैया दुर्योधन ने हार मान ली, इसका कोई रक्षक आ गया है, निर्वस्त्र नहीं कर पाऊंगा। तो भीम खड़े हो गए। भीम कहने लगे, अरे दुर्योधन, तूने द्रौपदी को निर्वस्त्र करके अपने जंगा पर बिठाने का संकल्प किया था, लेकिन तेरा संकल्प मिथ्या चला गया। अब मैं संकल्प करता हूँ, जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को निर्वस्त्र करके बिठाने का संकल्प किया था ना, उसी जंगा को एक दिन में अपनी गदा से तोड़ूंगा। इतना कह करके पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के 12 वर्ष वनवास चले जाते हैं। प्यारे 12 वर्ष वनवास ये कांडिल वन में व्यतीत करते हैं, जहाँ पर दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ ने भैया द्रौपदी का अपहरण किया था। ये 12 वर्ष कांडिल वन में व्यतीत करते हैं। 13वें साल अज्ञातवास विराट नगरी के राजा है कमल नयन के यहाँ पर जाकर ये अज्ञातवास व्यतीत करते हैं। भेष बदल कर पांचों पांडव कह देते हैं कि मैं पांडवों का नौकर हूँ। द्रौपदी कह देती है, मैं उनकी दासी हूँ, 1 साल के लिए अपने यहाँ जगह दे दो। ये कमल नयन के यहाँ पर वेश बदल कर रहने लगे, जहाँ पर कमल नयन के साले कीचक ने मैया द्रौपदी को परेशान किया था, जहाँ पर कीचक ने यानी कीचक का भीम ने वध किया था। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया उसके बाद अज्ञातवास भी व्यतीत करने के बाद पांचों पांडव लौट कर दुर्योधन के पास आए और पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भैया धर्म ये कहता है कि आपकी जो शर्तें थी पूर्ण हो चुकी हैं, अब धर्म ये कहता है कि आप मेरा राज्य मुझे वापस दे दे। दुर्योधन ने साफ साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया।
तो पांडव कृष्ण के पास आए तो कन्हैया ने कहा पांडवों से कि तुम परेशान ना हो, मैं शांति दूत बन करके जाऊंगा। तो भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके दुर्योधन के यहाँ के लिए चले। दुर्योधन को मालूम पड़ गया कि कृष्ण हमारे यहाँ शांति दूत बन के आने वाले हैं। तो दुर्योधन ने कृष्ण के सम्मान के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाना शुरू किए। क्यों? सम्मान तो था ही, लेकिन थोड़ा कपट था उसमें। कपट कैसा? अरे दुर्योधन ये सोच रहा था कि कन्हैया मेरे को खाएगो तो मेरे तो असली बेबस बजाना पड़ेगा। हैं? तो भगवान कृष्ण आए तो सभी ने बड़ा सम्मान किया, भगवान दुर्योधन के पास गए। अच्छा, विदुर जी को ये मालूम पड़ा कि कृष्ण शांति दूत बन के आ रहे हैं, तो विदुर भी भगवान के दर्शन करने आए अपनी कुटी से। तो भगवान ने आकर दुर्योधन से कहा है कि भैया आपकी जो भी शर्तें थी वो पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप 5 पांडवों को उनका राज्य नहीं दे रहे, तो ऐसा करो 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव। तो देखो दुर्योधन क्या कह रहा है। सुई चग्रेव ने वदाश्यामी विना युद्धेन केशवा। हे केशव, तुम 5 गांव की बात कर रहे हो? हम तो सुई की नोक के बराबर भी जगह देने वाले नहीं है। सुई चग्रीव ने वदाश्यामी बिना युद्धेन के, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जगह देने वाला नहीं। भैया तब तक धृतराष्ट्र बोल पड़े। धृतराष्ट्र कहने लगे, अरे लाला कृष्ण, ये तो भाई भाई का झगड़ा है, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? ये भाई भाई का झगड़ा है, देखो आपके सम्मान के लिए मेरे पुत्र ने कितने व्यंजन बनवाए हैं, ये पाइए ना। भगवान कन्हैया हंस के बोले, दादा व्यक्ति को व्यंजन दो शर्तों पर करना चाहिए, व्यक्ति को भोजन दो शर्तों पर करना चाहिए। पहली शर्त, आपका कितना भी पेट भरा है और सामने वाले के अंदर आपके प्रति भाव है, प्रेम है, समर्पण है, वो बार बार कह रहा है कि भैया प्लीज थोड़ा खा लीजिए, तो आपको थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आपका कितना भी पेट, नहीं दूसरी पहली शर्त यह है कि सामने वाले का प्रेम समर्पण देखकर कितना भी पेट भरा है फिर भी खा लेना चाहिए। और दूसरी, तुम्हें ज्यादा तेजी से भूख लगी हो, आपको ज्यादा तेजी से भूख लगी हो, लग रहा हो कि संभाल नहीं पाऊंगा अपने आप को, तो खा सकते हैं, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर तो दोनों में से एक भी नहीं है, मुझे भी इसके पकवानों की भूख नहीं है और इसके अंदर भी मेरे प्रति भाव नहीं है, वो समर्पण नहीं है, क्योंकि काका आन नहीं, आदर नहीं और नैनन नहीं, स्नेह और तुलसी वहां न जाइए जय कंचन वरसे। भगवान कहते हैं काका सुनो, जिसको पानी से बुद्धि भी मति भ्रष्ट हो। हमारे उपनिषद में एक श्लोक आया है, आहार शुद्धौ सत्तु शुद्धि, सत्तु शुद्धौ द्रवा स्मृति, स्मृति लंबेन सर्व ग्रंथेनाम विप्रमोक्ष। अगर व्यक्ति का आहार गलत हो गया नाजर भैया, अगर व्यक्ति का आहार गलत हो गया तो व्यक्ति का व्यवहार भी गलत हो जाएगा, और व्यक्ति का व्यवहार भी गलत हो गया तो व्यक्ति का विचार गलत हो जाएगा, और व्यक्ति का विचार गलत हो गया तो उसका चरित्र, उसका जीवन नरक बन जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कह रहे हैं क्या कि जिसको खाने से बुद्धि भी मति भ्रष्ट हो। कहते नहीं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भगवान कहते हैं अगर दुष्ट का अन्न खाया तो बुद्धि भी भ्रमित हो जाएगी मेरी। जिसको खाने से बुद्धि भी मति भ्रष्ट हो, ललाकित मुझको ऐसा निवाला नहीं चाहिए, मुझको ऐसा निवाला नहीं चाहिए। जिसको पानी से बुद्धि भी मति भ्रष्ट हो, जिसको मुझको ऐसा निवाला नहीं चाहिए, मुझको ऐसा निवाला नहीं चाहिए।
कालो हुए तो मैं उसे हृदय से लगा लूंगा, लेकिन हृदय का काला मुझे नहीं चाहिए। तन का काला हो तो मैं मुख चूम लूं, मन का काला हमें ना बिल्कुल भाइए, मन का काला हमें ना बिल्कुल भाइए। जिसको पानी से पूरी भी मति भ्रष्टि हो, जिसको पितामा कहने लगे, लाला हमारो महल ज्यादा दूर नहीं है, चलो थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी हमारे यहाँ कर लो। भगवान विदुर की तरफ इशारा करके पितामा से बोले, पेट पे हाथ फेर के भगवान बोले, दादा आज मेरा एक भक्त काफी समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, आज मैं उसके यहाँ जाऊंगा। पेट पर हाथ फेर कर भगवान ने अपने पेट पर हाथ फेर कर विदुर को इशारा दे दिया। विदुर समझ गए कि लाला मेरे घर आ गए। विदुर जी उठ के भागे घर पे चले। विदुर जी उठ के घर पे भागे, विदुरानी बैठी थी। विदुर जी बोले, ओ विदुरानी सुन रही है? बोले हाँ। देख मैं जा रहा हूँ खेतन पे साग लेवे और अपनी कुटी के बाहर खड़े है कि कोई काकी काकी काका काका कहे की पुकारे, तो यो ही समझ लिए कि वो ही कन्हैया आए क्यों है, क्योंकि कन्हैया मेरे रिश्ते में भतीजो लगे। इतना कह के विदुर जी खेतों पर दौड़े। अच्छा प्यारी एक बात और बता, विदुर की पत्नी का नाम विदुरानी नहीं था? विदुरानी तो नहीं, विदुर के नाम से कहते थे। कोई भैया डॉक्टर हो तो घरवारी को जाते डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं। और कोई भैया मास्टर हो तो घरवारी को जाए, मास्टर नहीं। हो कोई भैया ठेकेदार हो तो घरवारी को जाए, ठेकेदार नहीं। लेकिन अब थोड़ी और आवाज बढ़ा। हाँ। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हाँ थोड़ी सी हमारी कुछ समझ में आ रही है। कहा बोल ले, जैसे कि तुमने बताई कि मास्टर की मास्टर नहीं, हाँ। और फौजी की फौजन बेशक पटक का चलावे नहीं जानती, सही कह रहे हो, बे गई फौजन।